बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या पहुंचने का निमंत्रण मिला है। शास्त्री ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर अयोध्या पहुंचने की स्वीकृति दे दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आमंत्रण भेजा है। श्री राम मंदिर संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद महाराज, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री अशोक जी, बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा ने बागेश्वर धाम पहुंचकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आमंत्रण दिया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की स्वीकृति दी। बताते हैं अब 21 जनवरी को ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अयोध्या पहुंच जाएंगे। देश दुनिया में प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में इस समय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है जो 30 दिसंबर तक चलेगी। कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर हैं, जबकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं कथा के यजमान हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।